फैलाए उड़ते जाए। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक संख्या 50। सिर पर मेरे खाली जगह है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाते हैं, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। उत्तर, ताज। आकाश में सीधे आती है, झपट चूहा ले जाती है, पूछ है मेरी खांचे वाली, खाली जगह हूं मैं बड़ी निराली। चिल। हरे हरे है मेरे पंख, लाल है मेरी खाली जगह का रंग, हरी मिर्ची में खाता हूँ, खाली जगह में कहलाता हूँ। चोंच। तोता। काले काले खाली जगह है मेरे, खाली जगह रंग, काव काव में शोर मचाता, खाली जगह पंख, काला मेरा कौवा में कहलाता हूँ। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 51। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूं मैं भाती, देखो खाली जगह मैं कहलाती। कोयल। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे खाली जगह में उड़ता हूँ, गीत में कहलाता हूँ। आसमान। रंग सलेटी खाली जगह संग रंग सलेटी पंजे खाली जगह, गुटर गु की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, खाली जगह मैं कहलाता हूँ। गुलाबी कबूतर। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊ, खाली जगह चिड़ियों में कहलाऊ। दर्जिन। पेड़ के खाली जगह में छेद बनाऊ, उस पे छिपे कीड़े खाऊ, टुक टुक करता जाऊ, कठफोड़वा कहलाता हूँ। तैन। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 52। पाठ में आई पक्षियों में से तुमने किन किन को देखा है, नाम लिखो। उत्तर, कौवा, गैरिया, कबूतर, मोर, चील, तोता, कोयल और गिद्ध। जब बाहर जाकर देखो तुम कितने पक्षी दिखते हैं, पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी पीने में, पानी के आसपास तथा झाड़ियों में भी देखना। उत्तर, पेड़ पर 10, पानी में 8, जमीन पर 7 और झाड़ियों में 5। पक्षियों के नाम भरो तथा सही जगह पर खरा निशान लगाओ, यदि नाम नहीं जानते हो तो उनकी कोई पहचान लिखो। पक्षियों के नाम, कौवा पेड़ पर और उड़ता है, कबूतर पेड़ पर दिखता है, जमीन पर दिखता है, घर में दिखता है और उड़ते हुए दिखता है, बत्तख पानी में दिखता है, सारस पानी में दिखता है, पेड़ पर दिखता है और उड़ते हैं, तोता पेड़ पर रहते हैं और उड़ते हैं, मुर्गी जमीन पर दिखाई देते हैं, गिद्ध जमीन पर दिखा जाता है। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 53। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है। नीचे कुछ पक्षियों की चोंच चित्र है, उनको ध्यान से देखो और पहचानो कि किन पक्षियों की चोंच है। नीचे उनके नाम लिखो और खाली जगह में किसी अन्य पक्षियों की चोंच बनाओ और उसमें भी रंग भरो और उस पक्षी का नाम भी लिखो। उत्तर, तोता, कौवा, मोर, चील और बगुला। नोट, किसी और पक्षी की चोंच बनाओ। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 54। चित्र में दिखे गए पक्षियों को उनके भोजन के साथ जोड़ो। उत्तर, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 55। उल्लू तो अपने गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? उत्तर, नहीं, मैं अपनी गर्दन पीछे नहीं कर सकता। कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं, क्या तुम ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो? तो उत्तर, तोता हमारी बोली की नकल कर सकता है। बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो, वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे और वे गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाजों भी सुनाओ, सुनो किन्हीं तीन पक्षियों की आवाज की नकल करो, उनके गर्दन हिलाने भी नकल करो और अपने साथियों से कहो कि वे पहचाने कि तुमने किस पक्षी की नकल की। उत्तर, स्वयं करो। पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो और उनके रंग, आकार और आकृति पर चर्चा करो। एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उस पर पंख चिपकाओ, उसका नाम भी लिखो। उत्तर, स्वयं करो। पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं? उत्तर, तितली, मधुमक्खी,
तिलचट्टा, मक्की, चमड़ागंध और टिड्डा। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक संख्या 56। अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते हो तो तुम कहाँ कहाँ जाते हो और क्या क्या करते? उत्तर: यदि मैं पक्षियों की तरह उड़ सकता तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता। मैं दूसरे पक्षियों के साथ रेस लगाता। यदि पक्षी उड़ न सके, बस अपने पैरों पर ही चले तो क्या होगा? यदि पक्षी न उड़ सके तो वे उड़ने का आनंद नहीं ले पाएंगे। खतरे के समय वे उड़कर अपनी जान नहीं बचा पाएंगे।